ग्रुप 3A में अल्मोनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम सब मेटल है। एक जो प्योर मेटल नहीं है वो कौन है? बोरॉन है। और बोरॉन की जो प्रोडक्ट्स हैं इनमें से एक तो बड़ा इम्पोर्टेंट है बोरिक एसिड, H3BO3। क्या कोई और भी एसिड होता है बोरॉन का? जी हाँ, H3BO2। H3BO3 होता है बोरिक एसिड और H3BO2 होता है बोरस एसिड। अब मेरे भाई, बोरिक एसिड का सबसे अच्छा फ़ायदा क्या होता है आई वॉश करने का? जो कि हम लोग करते ही नहीं, आंखें तो धोते ही नहीं, अंदर माफ करें, ठीक। और आई वॉश के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है? बोरिक एसिड। अब जो एक बड़ा है एमसीक्यूज आता है वो क्या कि एमोरफस बोरोन, ज़ाहिर है बोरोन की क्रिस्टलाइन फॉर्म भी होती है और एमोरफस फॉर्म भी होती है। तो जो एमोरफस बोरोन है अगर इसको हम एयर के साथ रिएक्ट करें तो क्या बनता है? एक ऑप्शन था B2O3, एक था BN और C में था B2O3NBN, तो दोनों बनता है। देखो एयर में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा पाई जाती है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद क्या पाई जाती है? ऑक्सीजन। 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन। तो लाजमी बात है कि भाई जब हम इस बोरोन को रिएक्ट कराएंगे ये नाइट्रोजन से भी रिएक्ट होगा। अच्छा, नाइट्रोजन की वैलेंसी भी थी, बोरोन की भी थी, तो एक चीज़ तो बन जाती है बोरोन नाइट्राइट। दूसरी चीज़ क्या होगी? बोरोन को जब हम 3O2 के साथ मिलाएंगे B2O3। तो याद रहे कि हमारे पास आता है मिक्सचर B2O3 का एंड BN का। फिर बताना बड़ी है एमसीक्यूज़ है कि अमॉर्फस बोरोन को एयर में रिएक्ट करने पे क्या हासिल होगा।